ओके गाइस, वेलकम बैक इन पेन टेस्ट विद रोहित यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले कि किस तरीके से हम एक्सेस ही कर सकते हैं, एक्सेस ई एक्सटर्नल एंटिटी जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल का, तो वो वल्नरेबिलिटी को आज हम चेक करेंगे। हम जैसे कि आपको पता कि धीरे धीरे सभी वल्नरेबिलिटीज को कवर करते जा रहे हैं जो कि OWASP किया है। तो OWASP की जो मेन जो वल्नरेबिलिटीज रहती है जिसपे बाकी सब मतलब एक तरीके से रिलाय करती हैं, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन एक है, उसी के साथ LDAP इंजेक्शन भी है आपको, और एक कमांड इंजेक्शन, OS इंजेक्शन, वो सब उसके अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं इस तरीके से, मतलब इंजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले ओवरव्यू एक लेके चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके सबको कवर करेंगे, ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर OWASP चल रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए कि कहाँ से जल्दी सीख सकते हैं किस तरीके से, मेरे को काफ़ी सारे रिव्यू इसमें भी देखने को मिले, काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो ना लोग कमेंट कर रहे हैं और चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर आपका अच्छा खासा इस सीरीज़ को लेकर। तो नेक्स्ट मैंने जो वीडियोस बनाई, मैंने SRF के लिए आपके लिए प्रीमियर रखा हुआ है। अब ये प्रीमियर 1:30 पर शुरू होगा एंड मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना आपने इस पर किया। इसी तरीके से आप कमेंट भी करेंगे और वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम इस तरह कोई काम कर रहे हैं, और आप जब तक लाइक भी नहीं करेंगे तब तक ये यूट्यूब को नहीं पता चलेगा कि इसको ये कंटेंट बढ़िया है कि नहीं। आप कमेंट नहीं करेंगे तब भी पता नहीं चलेगा कि जो हमारा कंटेंट है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो बढ़िया भी है कि नहीं। सो वो चीज़ आप प्लीज़ करें, शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, उसको एडिट करने में, वो सब करने में, फिर डालना भी होता है, सो बहुत मेहनत का काम है। सो यहाँ पर OWASP टॉप 10 की बात कर लेते हैं। OWASP टॉप 10 का जो है आज हम कवर करेंगे XML एक्सटर्नल एंटिटी को। सो मैं उसको शुरू करता हूँ, लेकिन XML एक्सटर्नल में देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर ये जो आपका XSE है, जिसको हम XSE भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है XML एक्सटर्नल एंटिटी, ठीक है। इसमें क्या रहता है आपका, हम वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, ये भी जैसे कि बाकी आपकी वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, ये भी ऐसी आपकी वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अटैकर है वो क्या कर सकता है, जिस भी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, कोई भी मतलब एप्लीकेशन होना चाहिए मतलब वो, तो वहाँ पर क्या है, अगर वहाँ पर XML डेटा प्रोसेस कर रहा है तो उसमें हम इंटरफेरेंस कर सकते हैं, उसमें हम छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम और क्या कर सकते हैं, इससे हम ये कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन सर्वर्स के जो फाइल सिस्टम्स हैं उनकी फाइल्स को देख पाना, उसको चेंज कर पाना, उसमें जो बैकएंड है या जो एक्सटर्नल सिस्टम है एप्लीकेशन का उस पर इंटरेक्ट कर पाना, है ना, उसमें कुछ चेंजेस कर पाना, उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ उसमें फेरबदल कर पाना, इस तरह की चीज़ हम उसमें कर पाते हैं। कुछ सिचुएशन में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन अटैक किसे बोलते हैं, जिसमें दो वल्नरेबिलिटी को हम कंबाइन कर सकते हैं, एक या उससे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी को जब कंबाइन करके हम कुछ बड़ा करते हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइन अटैक, ये मेरी भाषा ऐसा, ठीक है, हम कंबाइन अटैक बोल सकते हैं, दो वल्नरेबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सी दो वल्नरेबिलिटी, एक आपका XSE है, ठीक है, एक आपका सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी है। सर्वर साइड रिक्वेस्ट मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। सो सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम जो है क्लाउड के स्टोरेज को एक्सेस कर पाए, या डेटाबेस का एक्सेस लेकर किस तरीके से हम कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। और सर्वर्स की तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ओके, है ना, इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ये करेंगे कि इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ अभी यहाँ पर। इसको भी हम आगे चल के देखेंगे जब हमारे सारे वल्नरेबिलिटीज कवर हो जाएंगे, तो हम कंबाइन अटैक्स भी देखने वाले आगे चल के। अब XSE वो जो वल्नरेबिलिटी वो अराइज़ कहाँ से होती है, एक्चुअल में जो XSE वल्नरेबिलिटी वो आती कहाँ से, तो ये एक देखने वाली बात है, ठीक है। सो यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस भी चीज़ को। सो XML जो है वो क्या करता है, फॉर्मेट करता है क्या, डेटा को ट्रांसमिट करने में, मतलब जो भी XML फॉर्मेट होता है वो डेटा को ट्रांसमिट करने में काम आता है, आपके ब्राउज़र से सर्वर के बीच में और फिर सर्वर से ब्राउज़र के बीच में, तो वो जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो XML के फॉर्मेट में हो रहा होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि यार XML फॉर्मेट क्या होता है, तो लेट मी टेल XML क्या होता है। सो XML का पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दिखता कैसे XML, तो एक सैम्पल XML लेते हैं। सो XML कुछ बेसिक आपका इस तरह का दिखाई देता है। सो इसमें क्या रहता है, आपका सेव कॉन्टेंट रिक्वेस्ट है, मतलब कॉन्टैक्ट के रेस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेव करने को बोल रहा था, यहाँ पे Address 1 Address 2, उसके बाद एजुकेशन, ये ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सो इस तरीके से यहाँ पर स्टोर होता है। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब डेटा को स्ट्रक्चर करने में यहाँ पर काम आ रहा है, किसी डेटा को स्ट्रक्चर करने में अपने काम आ रहा है, मतलब इससे अच्छा तो JSON है वैसे, बट ये भी चलो ठीक
ठीक है। इवन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में हो तो आपको एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि जब हम कई सारे टूल्स कर रहे लाइक आप Nmap यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास आउटपुट रिजल्ट करने के लिए या फिर रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए कुछ फॉर्मेट अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो उन फॉर्मेट के अंदर आपको OG ग्रैपेबल फॉर्मेट, TXT फॉर्मेट आपको नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल वाला एक आपका रहता है, XML में आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो आपको XML मैं प्रेफर करूँगा बेसिकली, क्यों, चूँकि क्या होता है कि जब आप बहुत सारी वेबसाइट को एक साथ मतलब आप हो सकता है रेंजेस पूरी रेंज को स्कैन कर रहे हो, सकता है कि आपने एक पूरी लिस्ट बना रखी जिसमें कई सारे मल्टीपल डोमेन्स लाइक लेट्स सपोज 10 डोमेन्स हैं या 20 डोमेन्स हैं, 20 डोमेन्स का आपने लिस्ट मारा Nmap में स्कैन जस्ट चला दे किसी भी तरीके का हो सकता है वो, ठीक है। वो करने के बाद आप क्या बोलते हो कि अब आप किस फॉर्मेट में करो जिससे आपको और सुविधा रहे। आप नॉर्मल TXT या ग्रैपेबल फॉर्मेट मत करो, TXT में करोगे तब तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे भी, ठीक है। वो तब फायदे में है जब आपको नॉर्मली बना किसी को भेजना है, ठीक है। ग्रैपेबल फॉर्मेट आपके कब फायदे में होता है, आपका जो -OG होता है वो कब फायदे में आता है आपके, वो तब फायदे में आता है जब आपके आपको कुछ रेगुलर स्कैन करते रहना तो वो आपके चेंजेस में आते रहेंगे अपने आप ही। आपको एक होता है XML मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि जब आप XML करोगे फॉर्मेट में डालोगे उसको तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो कई सारे आपके एक्सपोर्टेशन फ्रेमवर्क लाइक मेटास्प्लॉइट का जो GUI है जो अवेलेबल है, ठीक है, तो उन सभी में क्या होता है XML को वो इम्पोर्ट कर लेता है, ठीक है, तो वो उसको जो है एक्सेप्ट करता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने मल्टीपल्स डोमेन सेलेक्ट करके स्कैन मारा है तो आप उसमें वो डाल दो, उसके अंदर इम्पोर्ट कर दो और उसको लगा दो, वो आपको क्या करेगा सारे के सारे वल्नरेबिलिटीज और CVE बता देगा कि ये अवेलेबल है, ये हम एक्सपर्ट कर सकते हैं, आपको फिर एक्सपर्ट बटन पर सिर्फ क्लिक करना है, वो सभी के सभी एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो XML का जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें क्या है कि आप इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हो, मतलब ये आपका स्ट्रक्चर्ड वे हो जाता है पूरा। अब जब आपने XML थोड़ा सा देख लिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि XML होता है क्या एक्चुअल में, थोड़ा सा और इसको देखते हैं। सो XML आपका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आगे। तो XML फाइल जो होती है उसमें टैग्स भी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं। तो ये टैग्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, किसी डेटा को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है फाइल के अंदर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सो स्पेसिफिक सेंटेक्स गाइडलाइंस, अब यहाँ पर क्या है कि आप अपने मर्जी से कोई बना सकते हो, आपने यूज़ कर लिया वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रहता है XML और इसके मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपका क्या करता है बाकी मार्कअप लैंग्वेज को एक ऑर्डर डिफाइन करता है। सो ये आपका चीज़ रहेगी। तो HTML में क्या रहता है, आपका डेटा को डिस्प्ले कराना और वो डेटा किस तरह का दिखेगा, ये चीज़ इसके अंदर रहती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी में देखने वाले हैं कि जहाँ पर XML यूज़ हो रहा हो, ठीक है, जहाँ पर XML यूज़ हो रहा हो वहाँ पर हम किस तरीके से उसको क्या बोलते हैं वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं या फिर किस तरीके से उसमें कुछ इश्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी वेबसाइट के अंदर अगर इस फॉर्मेट में डेटा प्रोसेस हो रहा है तो हम उसमें कैसे वल्नरेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा जहाँ पर हम आगे चल के और भी चीज़ों पर बात करेंगे लाइक JWT आपका JSON वेब टोकन हो गया जैसे और चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी जहाँ पर भी आती रहती है, जो भी चीज़ें असाइंड होती हैं उन सभी पर कुछ ना कुछ कमियाँ निकलती रहती हैं। तो हम आगे चल के इसको और एडवांस करने वाले हैं। सो बेसिकली आज हमारा क्या XML है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो XML आई होप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक्सेस में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वल्नरेबिलिटी अराइज कहाँ पर करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी XML फॉर्मेट के अंदर डेटा प्रोसेस हो रहा होगा ब्राउज़र से सर्वर या सर्वर से ब्राउज़र के बीच में, तब वहाँ पर क्या है हम लोग यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। एप्लीकेशन क्या करते हैं बेसिकली दैट डू दिस वर्चुअली ऑलवेज यूज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और अ प्लेटफॉर्म API टू प्रोसेस XML डेटा ऑन द सर्वर। सो बेसिकली जो एप्लीकेशन होते हैं वेब एप्लीकेशन वो क्या करते हैं, या तो कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं या तो कोई API का यूज़ करते हैं ताकि वो XML डेटा को सर्वर पे प्रोसेस करवा सके। तो एक्सेसिव वल्नरेबिलिटी कहाँ पर आती है, क्योंकि वहाँ पर जो XML स्पेसिफिकेशन है वो वहाँ पर आ रहा है तो वो एक डेंजरस फीचर हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कोई इनपुट वैलिडेशन वहाँ पे यूज़ हो नहीं रहा होता, तो इस वजह से भी हम क्या कर पाते हैं, कोई एक अलग से XML एंटिटी डिफाइन कर सकते हैं अपने खुद की और उसको फिर आउटसाइड ऑफ DTD हम उसको लोड करवा सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि भैया हमारा लोड हो जाए। यहाँ पर एक मैं कोड निकाल लेता हूँ आपके लिए जहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन किया आसान तरीके से। सो अगर आपको XML थोड़ा बहुत समझ में आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक DTD भी यूज़ किया गया। DTD क्या होता है, DTD कुछ नहीं होता, आपका DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा है उसको डिफाइन करना, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, आपका XML है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली अगर आप देखो कोई वेबसाइट है उसमें
आपका इस तरह का XML यूज़ हो रहा है जिसमें एक डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन दे दी ऊपर, नीचे यहाँ पर मान के चलो कि वेबसाइट है उसमें आप स्टॉक चेक कर सकते हो, लाइक स्टॉक अभी अवेलेबल कितना है या कौन से प्रोडक्ट आईडी का कितना स्टॉक अवेलेबल है, उस तरह की चीज़ आपने देखोगे ना वेबसाइट में होता है। तो वो ज़्यादातर वेबसाइट क्या करते हैं, XML का यूज़ करते हैं उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कि यूज़र ने मांगा कि भैया प्रोडक्ट नंबर 381 का जो स्टॉक चेक करके मेरे को बता दो, तो वो डेटा जाएगा वहाँ पर प्रोसेस होकर, मतलब रिक्वेस्ट आपकी जाएगी चेक करने के लिए, फिर सर्वर से प्रोसेस होकर फिर आपके कंप्यूटर में वापस आएगी। अब यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट आईडी जो है वो बता देगा कि प्रोडक्ट आईडी नंबर 381 है। अब मुझे यहाँ से पता करना है, अब यहाँ से क्या इसमें कोई वल्नरेबिलिटी दिखती नहीं है वैसे आम इंसान को, बट हमें दिख जाती है बिकॉज वी आर हैकर। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 381 जो प्रोडक्ट नंबर है इसमें अपना खुद का एक क्या करेंगे, एक एंटिटी बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है, अपना खुद की एक एंटिटी बनाएंगे जहाँ पर हम खुद का एक डिफाइन कर देंगे एंटिटी। एंटिटी को डिफाइन करने के बाद उसमें हम कुछ सिस्टम कमांड्स रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने ये तो DTT ऊपर वाला, ठीक है, और ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक चीज़ देखो एक्सेस ही, ठीक है, यहाँ पर हमने इस एंटिटी को यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, हमने यहाँ पे क्या किया इसको डाल दिया डॉक्यूमेंट टाइप फू करके, ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया एंटिटी एक्सेस ई है उसका, फिर उसका हमने क्या सिस्टम की कमांड चला दिया। आप यहाँ पर कुछ भी कमांड चला सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी चला सकते हो, ठीक है, जो सिस्टम में फाइल चल सकता है। अब आप समझ गए होगे हम क्या क्या बर्बादी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बताऊँगा प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, मिटिगेशन क्या होते हैं, वो भी दिक्कत वाली बातें बता देते हैं। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से बर्बादी की जा सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एक्सेसिव पेरोड है वो क्या डिफाइन कर रहा है, ये जो एंटिटी है वो डिफाइन कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू ये है कि आपका ETC पासवर्ड मेरे को देखना है। तो इसकी मदद से क्या होगा, अब हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट आईडी वैल्यू है उसके साथ इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब ये क्या करेगा, अपने को फाइल शो कर देगा, लाइक क्या कॉन्टेंट शो करेगा, एक एरर शो करेगा जाहिर सी बात है, बट यहाँ पर इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी शो कर देगा कि ये जो आपके बोल रहे थे भाई इनवैलिड है, बट क्योंकि वहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो तो अपने को शो करने करना है उसने, तो वो रिस्पॉन्स यहाँ पर अपने को शो कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि वो तो सर्वर से प्रोसेस होकर आ रहा है। सो ये चीज़ यहाँ पर जो है अवेलेबल हो जाती है। सो अब यहाँ पर आप इसको SSRF अटैक से परफॉर्म कर सकते हो, ब्लाइंड एक्सेस भी है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, फाइल अपलोड कर सकते हो जाहिर सी बात, आप उसके साथ ही जहाँ पर आपने अपलोड किया वहाँ पर आप इस तरीके से फाइल अपलोड भी यहाँ पर कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो बाकी चीज़ भी हम लोग देखेंगे। सो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है थोड़ा सा। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और पिछली बार हमने कवर किया था SSRF का, उससे पहले मैंने कंप्लीट किया था आपका कंपोनेंट विद नॉन वल्नरेबिलिटीज़, अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस आप देख लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं XML एंटिटी इंजेक्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसमें कैसे इंजेक्शन काम करता है, सो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक वेबसाइट है, ठीक है, पार्क फिटनेस करके एक सोशल फिटनेस एप्लीकेशन है जिसमें यूज़र्स क्या कर सकते हैं, अपने फिटनेस गोल्स को सेट कर सकते हैं, अपने एक्सरसाइज जो है डेली बेसिस पर उसको GPS से एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, अपने जो डेली रूटीन्स हैं उनका फिटनेस जितनी हुई है उनको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, अपनी एक्टिविटी डेटा को, मतलब जितनी एक्सरसाइज उन्होंने की उसको शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो अलाइस है जो कि CTO है, जो आपकी CTO आपका अवेलेबल है, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर आपका, चीफ टेक्निकल ऑफिसर आई थिंक। सो यहाँ पर जो पीक फिटनेस का जो टेक्निकल ऑफिसर, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट को बुलाया, उन्होंने कहा कि बॉब एक काम कीजिए, आप साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो तो हमारे लिए काम कर दीजिए, हमारे एक वेबसाइट में आप दिन ब दिन आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते रहिए करिएगा जिससे हमें फ़ायदा हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप जानते हो, मतलब जो मेरे को फॉलो करता है उनको तो पता ही ऑलरेडी। सो यहाँ पर जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पेन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो एथिकल हैकिंग होती है उसका मतलब क्या होता है, हम बेसिकली हम उनसे पहले एक लेते हैं कि आप परमिशन लेते हैं, परमिशन लेने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ आपके उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको कंप्यूटर सिस्टम को टेस्ट करेंगे, उसके नेटवर्क को, उसके वेब एप्लीकेशन को, उसकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को निकाल कर जो उनको देते हैं कि ताकि अटैकर उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए हमसे पहले। सो यहाँ पर हम बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं इनकी वेबसाइट में गया, पीक फिटनेस की वेबसाइट में गया, तो मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर एक सोशल, यहाँ पर क्या एक लॉगिन का मतलब है अवेलेबल, तो इनको पहले ना लॉगिन करना पड़ता है, तो मैंने अपने क्रेडेंशियल बनाया, मैंने यहाँ पर लॉगिन किया और मैंने यहाँ पर साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद मेरे को यहाँ पर क्या मिला, मुझे यहाँ पर अपलोड एक्टिविटीज़ के यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर मैं कुछ अपने डिवाइसेस का जो मेरा डेटा है उस पर शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले अपलोड होगा और सिंक एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म होगी, अपलोड एंड सिंक एक्टिविटी का जो फीचर यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर क्या यूज़र जो है मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं अपने फिटनेस एक्टिविटी डेटा को GPS एक्सचेंज से, जिसको बोलते हैं GPX फाइल फॉर्मेट।
सो जीपीएक्स फाइल फॉर्मेट क्या होता है? जीपीएक्स फाइल फॉर्मेट आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट डेटा को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को अपलोड कर सकते हैं आसानी से और उसके डिवाइसेस में से जीपीएस डिवाइसेस, डिजिटल कैमरास और फिटनेस ट्रैकर्स की जो वो है अलाउ कर देता है उसको। तो अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए या इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हम, या फिर जो जीपीएक्स फाइल है उसके स्कीमा को समझने के लिए, पहले हम क्या करते हैं, रूट राउट्स डॉट जीपीएक्स को यहाँ पर लोड करते हैं और उससे इसके स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। सो यहाँ पर एक फाइल अवेलेबल है, लाइक ये आपका जीपीएक्स फाइल फॉर्मेट रहता है। तो जीपीएक्स फाइल फॉर्मेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे डीटीडी यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन यहाँ पे कर रखी है, जो कि एक्सएमएल है अपने को पता चल रहा है, और इसका जो इनकोडिंग है वो UTF-8 इनकोडिंग है। जीपीएक्स यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख रखा है और जीपीएक्स यहाँ पे एंडो रखा, मतलब ये जीपीएक्स का फाइल फॉर्मेट है, ये तो देखते पता चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। सो जीपीएक्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक क्या रहता है, जीपीएक्स आपका जीपीएस एक्सचेंज फॉर्मेट है, ये एक लाइटवेट एक्सएमएल डेटा फॉर्मेट होता है जिससे हम जीपीएस डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं, और उसके वे पॉइंट्स, उसके राउट्स, उसके ट्रैक्स को, और यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज के बीच में जो है डेटा को इंटरचेंज करता रहता है। सो इसकी हम लोग यहाँ पर हेल्प लेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि है मार्कअप। मार्कअप ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये फर्दर क्या करता है, जो जीपीएस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो डेटा है उसको फिर पीक फिटनेस एप्लीकेशन को प्लॉट कर देता है यूज़र के लोकेशन के साथ। अब वहाँ पर जो है मैप पर वो एक्टिविटी जो है उसकी शो होने स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल सा एक चीज़, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या करना है, जो राउट डॉट जी पी एक्स फाइल है उसको कर दिया अपलोड यूज़र ने। जैसे ही उसको अपलोड करेगा यूज़र, यहाँ पे उसको अपलोड कर पा रहा है, उसके सारे सारी डिटेल ये जो आप देख रहे हो जी पी एक्स फॉर्मेट की मदद से हो पा रही है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी सर्वर साइड एक्सएमएल पार्सर है वो प्रोसेस कर रहा है आपकी अपलोड की गई राउट डॉट जी पी एक्स डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पर आपकी एक्टिविटी मैप को यहाँ पर शो करा रहा है जो कि यूज़र से ली जा रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मॉडिफाइड जी पी एक्स फाइल है, यानी कि अपलोड करने से पहले तो हमने देखा वो कैसा दिख रहा था, अब अपलोड किया फाइल को तो वो कैसा दिख रहा है, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि अपलोड एंड सिंक एक्टिविटी फीचर है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जी पी एक्स डॉक्यूमेंट को, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन को अटैक को यहाँ पर ट्राई करेंगे पीक फिटनेस एप्लीकेशन के अंदर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सएमएल डेटा प्रोसेस हो रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सो एक्सएसई इंजेक्शन जो कि एक वेल नोन एक्सएमएल अटैक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं अनट्रस्टेड एक्सएमएल एंटिटी को जो है हम इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फाइल सिस्टम को चेक करेंगे, क्या हम इसमें एक्सएमएल इंजेक्शन कर सकते हैं या फिर हम इसमें एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी का जो अपनी जो मलिशियस जो आर्बिट्री जो हमारे पेलोड रहेगा उसको इंजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कोड को एनालाइज करते हैं। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप लोड दिस एलिमेंट लोड दिस एनी करके यहाँ पर आया, फिर एंटिटी सम फाइल सिस्टम यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर आके देखो लोड दिस सम फाइल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट टाइप है, तो सिंपल सी बात है कि लोड दिस करना है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई इसको लोड करना है, ठीक है। एलिमेंट कौन सा, लोड दिस करके। सो यहाँ पर ये चीज़ है, अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पर आ रही, देखो ये आपका सम फाइल है, सम फाइल मतलब जो आपने राउट डॉट जी पी एक्स कुछ डाला था वहाँ पर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई सम फाइल मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंटिटी है वो कौन सी है, वो आपका सम फाइल है। अब जो एंटिटी है वो क्या डिक्लेयर कर रही है, एक एक्सएमएल टैग को डिक्लेयर कर रही है, जो कि क्या कर रहा है, एक एडिशनल डेटा को लोड करवा रहा है एक्सटर्नल रिसोर्स से, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग एक्सटर्नल एंटिटी बोलते हैं, चूँकि जो एंटिटी है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। सो जो आपका जो सेंटेक्स है वो क्या करेगा, एंटिटी एक्सटर्नल जो है उसको लोड करवा रहा है वहाँ से। अब ये जो एंटिटी एक्सटेंटी का नहीं, यहाँ पर आपका एंटिटी रहेगा, फिर एंटिटी का नाम यहाँ पर रहेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आपका ये सिस्टम रहेगा, सिस्टम फिर यहाँ पर यूआरएल है। आई बात समझ में, दोबारा दोहराता हूँ, ये आपका एंटिटी है, ये एंटिटी का नाम है सम फाइल, और ये सिस्टम आपका सिस्टम, और ये यूआरएल आपका यूआरएल है, जो कि यहाँ पर वैल्यू रहेगा इसका, ठीक है, सिंपल कूल। नेक्स्ट आपका क्या है कि जो सम फाइल है ये एक क्या करेगा, ये पीक फिटनेस की वेब सर्वर के पासवर्ड को यहाँ पे डाल रहा है, ठीक है, जो कि ETC पासवर्ड है। अब यहाँ पर जो सम फाइल है ये क्या करेगा, यहाँ पर एक एक्सटर्नल एक टैग यहाँ पर डालेगा जो कि रेफरेंस कर रहा है सम फाइल को, यहाँ पर लोड दिस सम फाइल को यहाँ पर ये रेफरेंस कर रहा है। नेक्स्ट क्या, यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर हुआ है इसकी वजह से जो पीक फिटनेस का XML पार्सर है वो कन्फिगर हो चुका है इस तरीके से कि वो एक्सटर्नल एंटिटी को लोड कर सकता है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो जीपीएक्स फाइल था उसको हमने ट्रिक किया कि वो XML पार्सर की मदद से ETC पासवर्ड फाइल के जो कंटेंट है इसको शो करवा दे। जो नॉर्मली इसको क्या करना चाहिए था, नॉर्मली इसको राउट डॉट जीपीएक्स का जो है शो करना चाहिए था, बट हमने तो यहाँ पर क्या डाला, हमने यहाँ पर ये नहीं डाला, हमने यहाँ पर डाला कि ETC पासवर्ड को रिस्पॉन्स में शो करो। सो जाहिर सी बात है वही शो करेगा।
सब हम इसका देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम मलिशियस डॉट जी पी एक्स फाइल को डालेंगे जो हमने चेंज किया अभी, ठीक है। अब इसको यहाँ अपलोड करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे, अपलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये जो आपको रूट यहाँ पूरा इसका दिख गया, ठीक है। अब ये आपके पासवर्ड आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, SSH से लॉगिन कर सकते हो। SSH से लॉगिन करके आप पूरी इसकी डिटेल्स निकाल सकते हो इसमें से। आप मैंने एक लाइव वेबिनार या वेबसाइट भी, अपनी वेबसाइट बोल रहा हूँ, मैंने एक लाइव मीटिंग भी रखी थी, मैंने उसमें बताया था किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं, SSH लॉगिन। SSH के यहाँ पर होगा आई थिंक, लेट मी सी। सो अगर होगा यहाँ पर तो SSH का होता ही है वैसे ज़्यादातर। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते, किसी भी चीज़ से मतलब आप लॉगिन कर लो। यहाँ पर डायमंड अवेलेबल है, ठीक है, और भी बहुत सारे अवेलेबल है। सो आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पर इन पर लॉगिन करके और यहाँ पर आपका लॉग बन जाएगा, फिर आप उसे अपडेट करके यहाँ पर एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप टर्मिनल से इसको एक्सेस कर पाओगे। फिर आप टर्मिनल से जब इसको एक्सेस कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसकी सारी फाइल्स को जाकर चेक कर सकते हो, डिलीट। अब टर्मिनल एक्सेस मिलेगा मतलब आप सब कुछ कर सकते हो जिसको टर्मिनल चलाना आता है। बेसिकली मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपना पता है। तो फिर मैं उसको चाहूँ तो कोई फाइल अपलोड कर लूँ, ठीक है। मैं ये इसकी इंडेक्स फाइल की जगह पर मैं कोई अपना क्या बोलते हैं उसको, डिफेसमेंट यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एच पी या फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर डालू डिफेस किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। पूरी वेबसाइट को उड़ा सकता हूँ वहाँ से, उसके कंटेंट को डिलीट मार सकता हूँ, सारी चीज़ें बेसिकली वहीं पर होती है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर की जा सकती है। सो आपके समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल एंटिटी को ऐड करके सिर्फ एक फाइल सिंटैक्स के अंदर हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, पीक फिटनेस के सर्वर साइड एक्सएमएल पार्सर को प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर हमने एंटिटी को इंजेक्ट किया और हम क्या कर पा रहे हैं, ETC पासवर्ड के कंटेंट को लोड कर पा रहे हैं। तो ये जो एबिलिटी है हमारे पास कि हम एक्सटर्नल पार्सर को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं यूज़र सप्लाइड एक्सटर्नल एंटिटी से, इसको हम बोलते हैं XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सो अब वल्नरेबल कोड को भी एक बार देख लो कि ऐसा क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ एक्चुअल में। तो रूट कॉज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस इंजेक्शन के जो रूट कॉज है उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोर्स कोड को एक बार देखेंगे जो जिसकी वजह से जो पीक फिटनेस का XML है वो इनिशलाइज हुआ और फिर उसके बाद वो पार्सर ने उसको पार्स किया ताकि वो GPX फाइल को प्रोसेस कर सके। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या कर रखा है, XML डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या पार्स कर रहा है, वो यहाँ पर जो डेवलपर है वो क्या कर रहा है, जावा के डॉक्यूमेंट बिल्ड फैक्ट्री क्लास को यहाँ पर क्या बोलते हैं पार्स यहाँ पर कर रहा है। सो यहाँ पर ये जावा का डॉक्यूमेंट बिल्डर फैक्ट्री क्लास यूज़ कर रहा है ताकि वो XML डॉक्यूमेंट को पार्स कर सके नॉर्मली। उसके बाद ये जो XML है वो कई सारी सेटिंग पे चल रहा है, हैज़ सेवरल सेटिंग, इसकी कई सारी सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे टू ऑफ विच आर स्पेशली इंपॉर्टेंट हेयर, जो कि आपका एक तो है देखो एक्सटर्नल जर्नल सेटिंग, ठीक है, दूसरा आपका नीचे है वो, ठीक है, यहाँ पर दे रखा होगा, तो वो आपका पैरामीटर एंटिटी है। तो ये दो मेन जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है। सो जब इसको इनेबल आपने कर रखा हो तो क्या होता है, ये आपको क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल एंटिटी को रेफरेंस करने के लिए अलाउ कर देते हैं, और यही वो रूट कॉज है जिसकी वजह से पूरा महाभारत यहाँ पे चल रहा है। सो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल एंटिटी को अलाउ जो उन्होंने कर रखा है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं मेरे को लगी, किसी को भी नहीं लगेगी। सो यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंटिटी है ना, जो एंटिटी और सिस्टम टैग है, इसको कोई बंदा यूज़ कर पा रहा है, क्लाइंट यूज़ कर पा रहा है, जो कि बहुत ही बुरी बात है, नहीं करना चाहिए उसको। सो इसको हटाना चाहिए यहाँ से। सो नोट, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं ये ट्रू कर रखी है इसने, यहाँ पे ट्रू देखो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रू है। सो इवन इफ़ यू डोंट सेट देम एक्सप्लिटली दिस रिजल्ट इन लोडिंग एक्सटर्नल एंटिटी देन अटैकर कैन नाउ सी यूज टू रीड फाइल सिस्टम। सो इस तरह की चीज़ आपने ट्रू कर रखी है, एक तो पैरामीटर का भी आपने ट्रू कर रखा है भाई साहब, एक बंदा आपने जनरल का भी ट्रू कर रखा है। पैरामीटर की वजह से भैया मैं फाइल सिस्टम को देख पा रहा हूँ, ETC पासवर्ड जो आ रहा आपका, जनरल सेटिंग की वजह से मैं जनरल जो एंटिटी है उसको डाल भी पा रहा हूँ, डिफाइन कर पा रहा हूँ, तो मैं फाइल सिस्टम को रीड कर पा रहा, तो वो सब चीज़ें ना हो तो आज के लिए हम लोग जो है इसको सही कर सकते हैं। अब सही कैसे करना है वो देखो, सिंपल सी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पर ये है कि हम इसको फाल्स कर दें, ठीक है, सिंपल चीज़ है, ताकि हम वो उसको पार्स ना करें एक्सटर्नल एंटिटी को। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि XML पार्सर में हम डॉक टाइप जो डिक्लेरेशन है जो वो कर पा रहा है, यानी कि DTD यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन जो कर पा रहा है, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया। यहाँ पे देखो डिसअलाउ, पहले यहाँ पे अलाउ था, यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया, ठीक है, तो अब वो नहीं कर पाएगा यूज़र। तो ये चीज़ है। सो अब आपको समझ में आया कि एक्सेस इंजेक्शन अटैक कैसे होता है, किस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या बहुत सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। DTD क्या होता है ना, आपका XML क्या होता है, XML रिस्पॉन्स कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई है। सो ये चीज़ है। इवन आगे चल के हम ये भी देखेंगे JSON फॉर्मेट जहाँ पर यूज़ हो रहा है जिस एप्लीकेशन के अंदर, उसे कैसे हैक कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के लिए भी इंटरेस्टिंग होंगे कि भैया
इंटरेस्टिंग आपको लगेगी वो वीडियो पक्का मैं कहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत कुछ खास है। सो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हुई कि किस तरीके से हमने इसको किया। हमने सिंपली क्या किया, XML पार्सर को यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर कर रखा था उसको सही किया। हमने XML एक्सटर्नलिटी को डिसेबल किया, DTD जो था उसको भी हमने डिसेबल किया। DTD अब चूँकि डिसेबल्ड है पूरी तरीके, अब वो जो है चेंज नहीं कर पाएगा उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर कर दी। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको यूज़ करनी चाहिए XML इंजेक्शन एंड एक्सेसी इंजेक्शन से बचाने के लिए, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी वीडियो इस तरह के बनाता रहता हूं। और ओवास टॉप 10 अभी हम फिलहाल कवर कर रहे हैं, आगे चल के और भी बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, 6 घंटे पहले एक टैक्स सॉल्यूशन हिंदी करके हैं। सो टैक्स सॉल्यूशन हिंदी जी ने मेरा क्या किया, मेरे चैनल को शेयर किया एक तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट होता है वहाँ पर। सो वहाँ पर उन्होंने शेयर किया मेरे को, मतलब बाद में चला, मैंने बाद में देखा, आई वॉज रियली एक्साइटेड कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। सो ही इज़ अ सच अ गुड यूट्यूबर एंड हैक द बॉक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये हैक द बॉक्स, और मतलब काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, इनको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इनकी आती है, मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ इनकी देखी है, और बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं और एक बहुत ही अच्छा कंटेंट इनका रहता है हमेशा। सो मैंने यहाँ पे देखा कि भैया अरे इन्होंने मेरा शेयर किया। सो मेरे को बताता इनको शेयर किया, कब शेयर किया, 6 घंटे पहले मैंने, अभी थोड़ी देर पहले देखा, दैन 7 मिनट पहले, आप देख सकते हैं मैं 7 मिनट पहले कुछ मैंने पहले रिप्लाई किया इसका, दैट आई एम ग्लैड टू सी दैट सच अ सक्सेसफुल यूट्यूबर इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड शेयर माई कॉन्टेंट एंड शोन हिज लव एंड सपोर्ट टुवर्ड्स माई वर्क एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस सपोर्ट्स फ्रॉम ऋषिराज। सो हिज एक्चुअल नेम इज ऋषिराज, सो ही इज सपोर्टिंग मी, ये देख के मेरे को अच्छा लगा। सो मतलब इसका काफ़ी अच्छा खासा है, 2.6 आप देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर हैं जो भी है। सो उस तरीके से भी मतलब इतना बड़ा रखते हो और काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, मुझसे काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है इस फील्ड में बेसिकली। सो फिर भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा, चलो है ना, नाइस वन। और काफ़ी सारे लोग और भी सपोर्ट कर रहे हैं तो देख के अच्छा लगता है, तो आप भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा लगेगा इस चीज़ में। तो आई होप कि आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई आपको दिक्कत परेशानी या और कोई आपको डाउट रहा हो तो आप डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। और ओवास की भी ज़्यादा वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये देखो 130 पे अभी आपके पास इसका भी एसएस तरफ का भी आ जाएगा, ये नॉन कंपोनेंट भी हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद आप देखो हमारा XML जो XSE अटैक है वो भी हमारा कवर हो चुका है। इस तरीके से ओवास के जितने भी हैं सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है, कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। सो बेसिकली ये पूरा सीरीज़ यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट आते बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट तो बनती रहेगी। तो इस चीज़ को आपने सपोर्ट करना है, ओवास का जो मैं जो करा रहा हूँ इसको सपोर्ट करना है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा जगह पर शेयर करना है, ताकि और लोग यहाँ पर आ सके और ओवास की जो जो मटेरियल उनको अच्छा खासा मिल सके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए बनाऊँ, ठीक है। आप लोग बस सपोर्ट करते जाइए एंड आई विल मेक अ लॉट ऑफ गुड मटेरियल फॉर यू गाइस, ताकि आपको हिंदी में ये सब चीज़ें सीखने को मिले, क्योंकि हिंदी में आप बहुत ही कम लोग इस तरीके से पूरी इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, या फिर ना के बराबर देते नहीं है वैसे तो। सो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप उनको सपोर्ट करके हिंदी में ये सब चीज़ें आप अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह की प्रोफेशनल चीज़ आप देख सकते हो, कोई नहीं बताएगा आपको, इवन आप पैसे भी दे दो ना लोगों को, पैसे भी दोगे तब भी वो पूरा इतना टाइम लगाकर आपको नहीं बताने वाले हैं, इस चीज़ की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप पैसे भी दो उनको तब भी वो इस लेवल का आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। सो ये चीज़ें आपको सीखना है, अगर आप करेंगे तो मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है। मैं अगर मुझे 10 दिन में अगर बहुत सारी वीडियोस मैं पुश करनी पड़ी तो मैं ट्राई करूंगा पुश करूं उस चीज़ों को अपना टाइम निकाल कर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो वाइज, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग पेन टेस्ट विद रोहित यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।